मैं कह सकता हूँ और मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और ऐसा ही मुझे लगा था इसको पढ़ते हुए, तभी मैंने इस प्रश्न को थोड़ा लंबा करके आप सामने रखा था कि उससे भी मुक्ति आपको मिली है। और मैं कह सकता हूँ कि आपके पाठकों को भी इसमें इस कारण भी एक और तरह की चीज़ दिखाई पड़ी कि वो जो घेरा था उसको तोड़कर आप बाहर आ गई हैं। और इसमें एक चीज़ और मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी घटित हुई है, और उस पर भी अगर कुछ आप भी कहेंगे तो और अच्छा ही लगेगा, कि इसमें जैसे आप एक बहुत खुले में खड़ी हुई हैं, चारों तरफ एक खुलापन देख रही हैं, देखने में, सोचने में, और जैसा कि आपने कहा भी कि कुछ नई चीजें आकर शामिल हुई जिनमें से एक आस्था है, उसमें शायद कुछ घटनाओं का भी योग या संयोग है। जैसे वो जो रूपा नाम की लड़की है, उसका जो एक पूजा में बैठना है और उस समय जो आपकी प्रतिक्रिया है, क्या ऐसा भी कुछ हुआ कि उन घटनाओं के कारण भी कुछ बदला? बिल्कुल, क्योंकि रूपा एक बात बाहरी तौर पर ग्लैमरस लड़की थी, एक्ट्रेस थी, फिल्म में काम करती थी, तो और इस यात्रा के दौरान वो पूरा मेकअप किए रही, तो उस तरह की पर्सनैलिटी के लिए जो हमारा एक साधारण समझ होगी वो सिर्फ जो हमें बाहर से उसकी काया दिख रही है उतनी ही समझ होगी, हम उससे आगे नहीं जाएं। पर वही लड़की दंडवत प्रणाम कर रही है सूर्य को, और उसको कोई परवाह नहीं कि काफिले में 40 लोग उसे देख रहे हैं, वो अपने स्तोत्र पढ़ रही है, पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ रही। तो उस लड़की को देखकर मुझे लगा कि मॉडर्निटी को, तथाकथित आधुनिकता को या आधुनिक कवच को इस तरह से भी उतार के अपने पैर में रखा जा सकता, कि आपने अपना कवच उतार के नीचे रख दिया और आप जो भी शक्ति कोई है एटमॉस्फेयर की उसके सामने बिल्कुल निष्कवच खड़े हैं, और आपको इस चीज की कोई ये चीज आपके रेफरेंस पॉइंट में ही नहीं है कि इस समय आपको कौन कैसे देख रहा। इस यात्रा में आप अपने साथ निर्मल जी का एक वस्त्र लेकर गई, अपनी माँ की एक चुन्नी, और पिता का भी कोई वस्त्र ही शायद लेकर गई, और वो ऐसा कुछ मानते हैं कि वहाँ अगर यापी चीजें ले जाते हैं तो उनकी रक्षा कोई जी करता जी, है, कोई शक्ति करती है। तो उन चीजों को वहाँ रख आने के बाद आपको कैसा लगा? कुछ तो आपने लिखा है पुस्तक में, पर कुछ और कहना चाहें जो? तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा कि अपने प्रियजनों को जानने का जो संयोग है उसकी कृतज्ञता यही हो सकती थी। पर अब आप पूछ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि काश कि कभी मेरे जीवन में भी ऐसा सुख का पल हो कि कोई मेरी भी एक चीज ले जाए और उसको लगे कि उसकी यात्रा में मेरा भी कोई रुमाल हो सकता है, तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूं। इसमें इससे पहले आपने एक और जो वृत्तांत थी उसको कहूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, पिता समय मृत्यु समय नाम से लिखा था, और उसमें भी जैसे पिता को एक तरह से एक अलग तरह से विदा करने का अंतिम उनकी संस्कार के लिए किस का प्रसंग है, अंतिम संस्कार का। तो ये कुछ एक सूत्र सा भी मुझे लगा इसको पढ़ते हुए, वहां से अगर आप देखें उस वृत्तांत से कोई एक तार जुड़ता हुआ मुझे लगा, क्या कभी इस पर भी कुछ ध्यान गया आपका? नहीं, इस पर मेरा ध्यान नहीं गया, पर ये जरूर है कि मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया था, जो हमारे समाज में बहुत कम महिलाएं करती हैं, ज्यादातर कोई ना कोई पुरुष संबंधी होता है जो ये दायित्व लेता, तो मेरे लिए ये कोई रिचुअल नहीं था, और उस समय तो एक परिस्थिति बनी जिसमें मुझे ये करना पड़ा, लेकिन वो जो मेरे हाथ से हुआ
उसने मुझे इस चीज को समझने के लिए बहुत परेशान किया कि मैंने क्या किया है, ये क्या चीज है जो सबसे प्रिय हमें था, उसके ही मुख में अग्नि रखी है, उसे ही देवताओं को सौंपा है एक यज्ञ में, तो ये रिचुअल है क्या? और हमारा संबंध अपने आत्मीय जन से सिर्फ इस दुनिया का तो नहीं है, एक आत्मीय जन की जरूरत है जिसको हम दूसरी तरफ पहुंचाकर आए। तो ये एक सूत्र, मेरे पिता का जब देहांत हुआ तो उस समय मुझे उनका वियोग था, क्योंकि वो घर से दूर यात्रा करते समय अचानक हार्ट अटैक से गए थे, तो उसमें हम लोगों की कोई तैयारी नहीं थी उनको जाते देखने की। इसमें शुरू से लेकर अंत तक मैंने देखा कि हाथ से चीज कैसे खींचती है, तो इस चीज को एग्जिस्टेंशियल लेवल पर मुझे समझना पड़ा। पर जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जो बहुत व्यक्तिगत परिस्थिति मेरे जीवन में आई, कभी इसके बाद मैं इस तरह से सार्वजनिक रूप से करूंगी या कभी इसके बारे में लिखूंगी। नेचुरली आज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि पुस्तक की शुरुआत ही उस छाया से हुई है।